पहले मेरे स्वप्निल दादा को खा गई, अब मेरे और मेरे पति के बीच में आने की कोशिश कर रही है। मनहूस औरत, राधा जी, मैं आपसे किया हुआ वादा निभाने की पूरी कोशिश कर रही हूं। न जाने क्यों मैं था। काई नहीं माला, नहीं सामना, सच में अजीब, मेरी कसम है तुझे, काहिच गलत नहीं है अजी। मैं सोनाली का जितना अच्छा करने चाहती हूँ वो मुझसे उतना ही दूर भागती है। बुरा लगा ना सोनालिका की बातों का? नहीं अच्छे, बात बुरा मानने की नहीं है, बात उसके स्वभाव की है। मैं जानती हूँ थोड़ी सी मुंहपट है बेटा, अपने बाबा की लाडली है ना, पहले ऐसी नहीं थी वो, लेकिन जब से श्रेयस के साथ मनमुटाव हो गया है, जरा सी चिड़चिड़ी हो गई। श्रेयस से प्यार तो किया उसने, पर उसकी बड़ी और जॉइंट फैमिली को नहीं अपना पाई वो, इसीलिए झगड़ा करके चली आई। लेकिन श्रेयस कभी सोनालिका को वापस लेने नहीं आए? आया था बेटा, कई बार आया था, पर सोनालिका की तो वही जिद है परिवार से अलग रहने की। बेटी वो ये नहीं समझ पाई कि जिंदगी जीने का मजा परिवार के साथ रहने में है, परिवार की छोटी छोटी बातों की बड़ी बड़ी खुशियों में है, और इसलिए उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। मैं समझ सकती हूँ उनके गुस्से को, लेकिन अच्छी, मैं तो बड़े प्यार से उनकी तस्वीर लेकर गई थी, फिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? क्योंकि वो भी तुम्हें स्वप्न, भूल जाइए सब, घर में जो श्लोक के आने की खुशी है ना, उसमें ये उदासी अच्छी नहीं लगती बेटी। अच्छी, मैं थोड़ी देर के लिए मंदिर होकर आऊं? इसमें पूछने वाली क्या बात है, जरूर जाओ बेटी, पर आते समय अपने साथ हंसी जरूर लेकर आना। मैं तुम्हें हमेशा खुशियों में रंगा हुआ देखना चाहती हूँ बेटा। हे भगवान, मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचे ये मैं नहीं सह सकती, मुझे इन मुश्किल हालात में लड़ने की शक्ति दीजिए भगवान।
मेरी राधा को कमजोर नहीं पड़ने देना, अपना आशीर्वाद उसे देना, अपनी कृपा दृष्टि सदा उस पे बनाए रखना बापा। मेरी राधा ने इस घर में खुशियां भर दी हैं, तू भी उसके उदास जीवन को खुशियों से भर देना। तिला सुखी ठेवले बाबा। मैं डॉक्टर राधा के परिवार को खुशियों से भर देना चाहती हूँ, इसके लिए मेरा मनोबल बढ़ाना, मुझे सहारा देना भगवान। नहीं चल सकते आप, मैं इस हालत में घर। देखिए मैं I'm really sorry, आप चाहे तो मैं आपको अपनी गाड़ी में घर तक ड्रॉप कर देता। कोई जरूरत नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। आपके हाथ की वो पूरनपुरी बन गई ना? सब तैयार है बेटा, सब तैयार है। अच्छा। सुमिता, तुमने वो कड़ी और कोथिंबीर वड़ी बना दी? 5 बार पूछ चुके हैं आप और मैं जवाब दे चुकी। अब अगर 6वीं बार पूछ भी रहा हो तो हाँ बोल दो ना। हाँ भाई हाँ। और पम्मी? सरसों का साग बन गया पापा जी। ठीक है। लगता है मेरे निकलने का वक्त हो गया, जाना पड़ेगा मुझे। शिवा जी, तेरे एयरपोर्ट जल्दी जाने से फ्लाइट जल्दी थोड़ी आएगी। बस दो मिनट बस सर। आई आप भी कमाल कर रही हो, काय बस आता है माला थोड़ी। अगर देर हो गई ना तो फिर सारी गड़बड़ हो जाएगी। मेरे रोकने से तू रुकेगा थोड़ी। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा स्मिता देखना इस पर कोई पैर न रखे। हाँ जी, ये भी ना बस। पम्मी हाँ जी, तुम जाकर मिठाई का थाल सजा दो। आज सबसे पहले मैं श्लोक को गुलाब जामुन खिलाऊंगी। जी मम्मी जी, अभी लाई। अच्छा संदीप का है, सुबह से दिखाई नहीं दिया। कोशिश तो की है और उम्मीद है कि राधा इसे देखेगी तो उसे मेरी ये पेंटिंग पसंद भी आएगी। मम्मी
कुछ औरतों का विधवा होने के बाद भी रंगों से मोह नहीं जाता। ही तो रंग की शुरुआत है। आगे आगे देखते हैं ये रंग क्या क्या गुल खिलाता है। सोनालिका, तुम्हें बात करने की जरा सी भी तमीज नहीं? क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? होश में तो? बस आई, आप तो बोलिए ही मत। होश में तो आपकी लाडली बहू नहीं है। संभालिए इसे, इससे पहले कि ये हाथ से निकल जाए। और हमें पछताना पड़े। किसी ने गुनाह? बस सफाई देने की जरूरत नहीं। सफाई तो तब दी जाती है जब किसी को शक हो। मैं समझ सकती हूँ, और फिर जब मन साफ हो तो किसी की बात की परवाह ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन आई कभी कभी दूसरों की परवाह मत करो राधा। आदमी एक जैसा नहीं होता। किसी की सोच कुछ होती है तो किसी की कुछ और। अगर सबकी बातों को मन पर लगाओगी ना राधा, तो जीना मुश्किल हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी आई है ना तुम्हारे साथ? जी आता ही होगा श्लोक, बिल्कुल धर्मपाजी की तरह एंट्री मारेगा वो तो। आपको तो सभी की एंट्री धर्मपाजी जैसी लगती। आजी कितनी देर और इंतजार करना होगा? सोनालिका, श्लोक ने कहा तो था कि वो 5 बजे की फ्लाइट से आएगा। अभी वक्त है बेटा उसके आने में। ओ,